नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती फार्मिस्ट्री। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करूँ आपकी। कनिष्ठा उंगली और सूर्य आपकी उंगली के साथ एकदम चुपकी हुई, मन से बहुत पवित्र हैं। साथ ही साथ आप अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं और जीवन में आपकी अर्दास अच्छी रहेगी। परंतु बड़े फैसलों के लिए सूर्य के पहले पद तक उंगली का होना जरूरी है। इसलिए बड़े पद फैसलों को जब भी जीवन में लें तो जरा सोच समझ करके लें, जिससे आपको कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर कुल मिलाकर के बीच का गैप इस बार को दर्शाता है। आप आत्मा से अच्छे हैं, परंतु किसी न किसी कारण की वजह से ऐसा व्यक्ति माता पिता में किसी न किसी की सेवा नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना भी करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और निचले पर एक बहुत बड़ा कट भी है। तो आप अपना धन किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, वरना वो आपका धन आपको लौटाएगा नहीं। साथ ही साथ शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, मैं आपको विशेष रूप से अपनी आर्थिक समस्याओं से थोड़ा सा उलझना पड़ेगा। ज़्यादा खराब नहीं शनि, एक कुल मिलाकर थोड़ा सा समस्या है। आप बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व यहाँ अपने आप में, बृहस्पति की उंगली अपने आप में ठीक प्रकार से खड़ी हुई है, जुड़ी हुई है शनि रेखा के साथ में। ईश्वर के प्रति आस्था, अच्छे लोगों में उठना बैठना, सही संवाद करना और जीवन की आवश्यकता भी आवश्यकताओं को पूरा करने में आप समर्थ है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। ये बुध पर्व है और बुध पर्व यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ काफ़ी उठा हुआ है। जब इतना बूढ़ा हुआ बुध पर्व होता है तो व्यक्ति के पास जो धन के आगमन हैं वो आते हैं और धन से आन मन से ज़्यादा खर्च बने रहते हैं। ये वर्तमान का पर्व है, ऐसा नहीं है कि वो ऊँचा या नीचा नहीं उठता। अगर नीचे दब जाएगा तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा, इसी तरीके का रहेगा। जैसे थोड़ा सा दबेगा तो वो अनुकूल फल वो आपको देता रहेगा। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपकी एक और पर्वत के बारे में। ये पर्वत है आपका सूर्य का पर्वत और इस पर नीचे की तरफ ट्रायंगल और ऊपर की खड़ी हुई रेखाएं, जो इस प्रकार को दर्शाती हैं कि यदि आप जीवन के नौकरी वाले समय पर अच्छी प्रकार से मेहनत करते तो निश्चित रूप से आपको राज्य सरकार से संबंधित नौकरी का भी मिल जाता। नहीं मिलेगा तो अच्छे सेक्टर में नौकरी के योग भी यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, यानी कि यश और सम्मान आपका जीवन में बना रहेगा। ये आपका ये पर्वत अनुकूल पर्वत आपको बताता है। साथ ही साथ बात कर लें शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत पर अच्छी प्रकार की रेखाएं, अच्छे ट्रायंगल्स यहाँ पर बने हुए हैं, जो जीवन के 55 वर्ष के बाद में आपको धन के अच्छे आगमन बनाए रखने में समर्थ हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व से निकलने वाली रेखाएं आपके जीवन के अंतर्गत ये अपने आप में बताती हैं कि आपके जीवन में या तो पैतृक संपत्ति से संबंधित मकान बना पाएंगे, अन्यथा आप स्वयं भी अपनी मेहनत से एक मकान अवश्य बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और विवाह रेखा मिलाकर के मैंने देखी बहुत ही सुंदर तरीके से है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो पत्नी सहयोगी होती है और आपके पास इस समय वर्तमान में कोई भी बड़े रोग की समस्या यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती है। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा अच्छी है, मन से आप अच्छे हैं, किसी दूसरे का अहित नहीं सोचते हैं। चलिए यह आपका हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके पास यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएँ। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएँ व्यक्ति को इस तरह से निकल कर के सूर्य पर्वत तक पहुँचने वाली अनुशासित रेखाएँ होती हैं। ऐसा व्यक्ति अनुशासित होता है, अच्छे चरित्र का होता है। साथ ही साथ मंगल से निकलने वाली रेखाएँ लगातार ये साहसिक रेखाएँ आपके पास में आपको अच्छी रेखाएं, जो व्यक्ति को अधिकतर टेक्निकल माध्यमों से धन कमवाती हैं, ऐसा भी मैंने बहुत बार देखा है। तो चलिए ये आपके मंगल रेखा साहसिक रेखा मैंने बताई। अब मैं बात करने वाला हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा अनुशासित रेखा जैसे निकली थी मैंने बताया आपको, और यहाँ जा कर के इसका संबंध लगभग चंद्र पर्वत के साथ में बना है। यानी कुल मिलाकर आप शनि पर्वत से गुजरे हैं, सूर्य पर्वत से गुजरे हैं, बुध पर्वत तक पहुँचे हैं। यानी आप अपने जीवन में यश भी प्राप्त करेंगे, धन भी प्राप्त करेंगे, सम्मान भी प्राप्त करेंगे। ये अच्छी रेखा आपके पास में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जाकर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर ये रेखाएँ, एक यहाँ सरपेंट का तरसा मुख खोल रखा है,
एक ये रेखा टूट टूट करके यहाँ जा करके और शुक्र पर्वत से संबंध बना रही है। यानी ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से संबंध बना करके, या तो वो ऐसी चीज़ें बेचता है अपने यहाँ से कि दूर दूर के लोग उससे आकर के ले जाते हैं, या ऐसा व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके दूर स्थानों तक माल की सप्लाई कर देता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति प्रयास करे और बाहर का परमिट वगैरह ले ले तो दूर देशों तक भी माल की सप्लाई कर जाता है। ये अच्छे संकेत यहाँ रेखा में और मजबूत बनने की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये चंद्र पर्वत अनुकूल पर्वत है। आइए आपकी देख लेता हूँ व्यापारिक रेखा, बहुत ही मजबूती के साथ व्यापारिक रेखा, और जा करके सीधा सीधा इसका बुध पर्वत से संबंध बन गया। तो यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रही है कि यदि आप अकाउंट के क्षेत्र में नहीं हैं, यदि आप CA नहीं हैं, आप कॉमर्स से पढ़े हुए जाके अकाउंट से क्षेत्र से संबंधित कार्य में नहीं हैं, तो या तो ये रेखा उनके पास होती है या फिर ये अच्छी व्यापारिक रेखा आपके पास में है। तो यानी कि आप यदि व्यापार से जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी खासी सफलता आपके जीवन में मिलेगी। ये यहाँ पर बताने वाली आपकी व्यापारिक रेखा है। इसका संबंध व्यापारिक रेखा का अगर मैं देखूँ तो एक निकल करके आपकी आयु रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत तक भी गई है। कई बार व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाया, मैंने पहले भी बताया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के टेंडर से भी धन कमा सकता है। तो यहाँ दो व्यापारिक रेखाएँ आपके पास में। अब बात करूंगा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा ने फिर वही दूर स्थान की रेखा से संबंध बनाया और भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके इस तरीके से ये चली गई, और जाने के बाद में यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो ये जीवन के 36वें वर्ष के बाद में यहाँ 2 से 3 संबंधी रेखाएँ, 36वें वर्ष के बाद नहीं, 55 वर्ष के बाद 2 से 3 रेखाएँ, 36 वर्ष के बाद में यदि मैं देखता हूँ तो ये रेखा कुछ हल्की पड़ गई है आपकी। यदि वर्तमान की बात करें तो ये बहुत अच्छी योगिक रेखाएं नहीं हैं जो आपके पास धन के आगमन को सीमित कर रही हैं। इस समय आपके पास खर्चे काफ़ी लगे हुए हैं, इस बात को ये रेखा दर्शा रही है। तो चलिए ये मैंने आपकी रेखा को बताया, अब इसी की रेखा में साथ के साथ में मकान की रेखा भी बता देता हूँ। आपके पास मकान बनाने की जो रेखा है वो आपके जीवन में ये यहाँ पर लगभग लगभग ऐसा समझिए 40-42वें वर्ष के बाद आपको मकान बनाने का योग आया, या इससे पहले आपको 33वें वर्ष के करीब में कोई ज़मीन लेने का योग आया था, लेकिन अब ये 40-42 वर्ष के बीच में आपको मकान बनाने का योग आया है। तो खुद का घर 40-42वें वर्ष में करोड़पति बन पाएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने बता दिया कि जीवन के 55 वर्ष के बाद आप करोड़पति बन पाएंगे और कई करोड़ के पद मालिक होंगे। बच्चों को लग्जीरियस जीवन बिल्कुल निश्चित रूप से उस समय के बाद ज़्यादा दे पाएंगे, अभी ठीक ठाक आप जीवन दे पाएंगे। खुद का बिजनेस करना चाहिए, मैंने बता दिया बिल्कुल करना चाहिए, व्यापारिक रेखाएं आपके पास मौजूद है। एनी कोर्ट केस या गलत काम वर्तमान समय तक ये जो संबंध बना हुआ है, ये इस रेखा का केतु रेखा के साथ संबंध, ये किसी न किसी गलत काम या किसी न किसी आकर्षण स्त्री के तरफ करके थोड़ा सा आपको बदनामी दे सकता है। ये आपको सावधानी है, कोर्ट केस कोई नहीं है। हायर पोस्ट जॉब, देखिए पोस्ट जॉब की बात है, आप जॉब पोस्ट करते रहिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उससे संतुष्ट हो पाएंगे। बहुत अच्छे योग आपके यहाँ पर, यदि आप गणितज्ञ वाली जॉब कर रहे हैं तो छोड़िए मत। अगर गणितज्ञ वाली जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप व्यापार करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। संतान योग कितने, संतान योग की रेखाएं पत्नी के हाथ से पता लगती हैं, आपके हाथ से पता नहीं लगेंगी, तो ये पत्नी के हाथ से पता लगेंगी संतान योग। आइए अब मैं देखता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ दिखता जाकर के आपके लगभग 62वें वर्ष में आपको स्थान परिवर्तन का योग है, और उसके बाद आयु आपकी 75-76 वर्ष की वर्तमान में है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। लग्जीरियस इस क्षेत्र को देखता हूँ शुक्र के को, तो ठीक ठाक आपका शुक्र का स्थान भी है, यानी वर्तमान में ठीक ठाक सुख सुविधाएं आपके पास हैं। तो कुल मिलाकर मैंने सारी रेखाओं पर्वों को आपको पढ़ा, अब मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो जीवन में आपको सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो। इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया सा उपाय मैं बताने वाला हूँ। आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर एक मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। साथ ही साथ गणेश चालीसा पढ़ें तो आपको उन्नति मिलेगी, और उसके बाद हनुमान अष्टक पढ़ें, बस इतना भर कीजिए आपके जीवन में सफलता मिलेगी। अगर आप पहनना चाहते हैं तो एक बेहतरीन पन्ना
इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, जो आपको तरक्की, उन्नति, प्रगति, संतान, सुख सब दिलाएगा। नमस्कार।